हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आ चुका हूं टैलेंट मैनेजमेंट की फोर्थ यूनिट के ऊपर। जी हां, आप सबकी बार बार क्वेरी आ रही है कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी सर स्टार्ट कर दीजिए आज या ही तो कल। आज ऑपरेशनल मैनेजमेंट विद इन 2 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, उसका फर्स्ट सब्जेक्ट मैं पिकअप कर लूंगा। फाइनेंस के भी वीडियो पैरेलल बन रहे हैं और यूनिट फोर्थ में मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कवर करा चुका हूं, अभी मैं सेकंड पार्ट के ऊपर हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि सेकंड पार्ट तक ही ये वीडियो रहे। एमबीए थर्ड सेम का सब्जेक्ट का वीडियो है ये, बीबीए में है, बीकॉम में है, पीजीडीसीए और यूजीसी नेट में 3 से 4 क्वेश्चन इसके अप्रोक्सीमेट बैठ जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है हमारे फोर्थ यूनिट में जो अभी तक रिमेनिंग है। सबसे पहला जो टॉपिक निकल कर आ रहा है वो ये हमारा है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पनसेशन प्लान फॉर टैलेंट एंगेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पनसेशन प्लान फॉर टैलेंट एंगेजमेंट। तो बेसिकली ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक कहता है कि हमारा जो टैलेंट है उसको हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि रिटेन करके रखना है, अब हम उसको क्या चाह रहे हैं कि एंगेज करके रखें। मतलब हमारे जो टैलेंट है उसको एंगेज करके रखें, मतलब किसी को हम जो जॉब दें वो उसके लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है हमारे यहां पर तो वो उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन रखे, विलिंगली मोटिवेट रहे, इसी को उसका क्या बोला गया, एंगेजमेंट बोला गया। मींस कि वो हमारी जॉब के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। अब इसके लिए क्या होगा, सबसे पहला तो हमको उसकी पसंद का उसको काम देना होगा। तो ये सबसे पसंद का काम क्या, सोना, तो वो नहीं करवाना है हमको, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उससे उसको लिंक अप करना है। अब देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहाँ पर 5 स्ट्रेटेजीज दी हुई है जो हमको हेल्प करती है कि बंदे को आपकी जॉब के अंदर एंगेज रखने में, मींस और इसके एंगेजमेंट से कंपनी के प्रोडक्टिविटी हमको इंप्रूव करनी है। मींस कि उसको एंगेज रखना, उसको व्यस्त रखना ही हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है उसकी एंगेजमेंट के थ्रू हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो पहली जो इसके अंदर स्ट्रेटेजी है वो पेइंग फॉर देयर कॉम्पिटेंस, यानी कि उसको उसकी क्षमता के अनुसार पेमेंट करें, मतलब प्रोडक्टिविटी बेस्ड पेमेंट सिस्टम। प्रोडक्टिविटी बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जितना उसका प्रोडक्शन हो उतना उसका पेमेंट सिस्टम हो, इससे क्या होगा वो ज्यादा पेमेंट करने के लिए कोशिश करेगा। तो ये पहला आपकी स्ट्रेटेजी हो गई पेइंग फॉर योर कॉम्पिटेंस, यानी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग। सेकेंड है ऑफरिंग प्रॉक्सीज फॉर प्रमोशन। अब ये क्या होता है जब हम उसको सबोर्डिनेट ज्यादा दे देते हैं, मींस के एक बॉस है कंपनी के अंदर, उसको उसका काम करने के लिए 2 सबोर्डिनेट की जरूरत है, मिस्टर ए और मिस्टर बी की। जब हम उसको 5 सबोर्डिनेट और दे दें, मतलब सी भी दे दें, डी भी दे दें, ई भी दे दें और कहें कि अब आपको काम कराना है, तो वो फील प्राउड कि यार मेरे अंडर में अब 5 बंदे काम करते हैं। जब उसके अंडर में 5 बंदे काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा एंगेजमेंट होगा, क्योंकि उसके पास डेलीगेशन ज्यादा होगा, उसके पास जो अथॉरिटी ट्रांसफर करनी होगी वो उसको ज्यादा होगी, वर्क ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इससे वो ज्यादा एंगेजमेंट होगा। ज्यादा एंगेज भी हुआ, सबोर्डिनेट भी दिए, बट इससे प्रोडक्टिविटी कम होने की जगह इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि वो मोर सिंसियर हो जाता है वर्क के लिए। तो प्रोक्सीज फॉर प्रमोशन का मतलब है यहाँ पे प्रमोशन नहीं दिया है लेकिन आपको सबोर्डिनेट्स, आपकी फैसिलिटीज ये बढ़ा दी जाती है, तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है। रिवार्डिंग एम्प्लॉइज टू टेक चार्ज, यानी कि जो भी एम्प्लॉय चार्ज कंप्लीट करता है या अपना इनिशिएट कंप्लीट करता है उसको वहीं पे रिवॉर्ड देना, वहीं पे उसको रिवॉर्डिंग करना, वहीं पे उसको कंपनसेट करना, वहीं पे उसको पेमेंट देना से क्या होता है एम्प्लॉय और एंगेज होना शुरू हो जाता है। बहुत सिंपल है ना, देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला आ रहा है उसका कंपनसेशन का पेमेंट दे दो, दूसरा अगर वो कोई इनिशिएट ले रहा है, कोई चार्ज ले रहा है, कोई एक्स्ट्रा थिंग कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दो, दूसरा अपन ने पढ़ा था प्रॉक्सीज वाला जिसके अंदर मैंने क्या कहा था सबोर्डिनेट्स बढ़ा दो, उसको फैसिलिटीज बढ़ा दो। चौथा क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज के साथ रिवॉर्ड कर दो, मींस के हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज है उसके साथ उसके टेम्परामेंट को मैच करना है। एलगाइन विथ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज विथ रिवॉर्ड, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कंपनी का प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है 80 यूनिट का, तो भाई उसको भी गोल कौन सा दे दो, 80 यूनिट का दे दो,
फॉर एन एग्जाम्पल लिया मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल लिया, कंपनी को सुबह चाहिए 9 से शाम की 8 बजे तक एम्प्लॉय, तो आप भी कहते हो कि आपको सवेरे 9 से शाम को 8 बजे तक सर्विसेज देनी है। अब ये जब वो टास्क फुलफिल करेगा, ये जब ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज के साथ वो टास्क फुलफिल करेगा, तो वो खुद की भी ग्रोथ करेगा और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ करेगा। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है ये सीधा सीधा उसके वर्क के साथ कोरिलेट कर दो। यानी कि मैनेजमेंट क्या चाहता है, प्रॉफिट मेकिंग बनाना चाहता है। प्रॉफिट मेकिंग के लिए दो तीन तरीके, एक तो कॉस्ट कटिंग है, एक प्रोडक्शन एनहांसमेंट है। कॉस्ट कटिंग करना और प्रोडक्शन एनहांसमेंट करना, इसके साथ में उसके जो छोटे छोटे गोल है ऑर्गेनाइजेशन के, कि आज 40 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, आज 80 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये आपको डिवाइड करने हैं अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, और उनको पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है। और नॉर्मली कंपनीज में यही फॉलो किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ आपके गोल सेटअप कर दिए जाते हैं। जो बॉस ओवर भी नहीं करना है, जैसे कि अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट 100 यूनिट की है, तो आप इंप्लॉई को 120 यूनिट की मत दीजिए, कि मान लीजिए कि बिलो हो गया, आप 120 यूनिट की नहीं करना, आपको कितने का करना है, 100 की करना है। ठीक है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन सिस्टम, ये एंगेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, इम्प्लॉय मोटिवेट ही तब होगा जब उसको पता होगा कि इस काम का इतना पैसा मिलने वाला है, और ये काम नहीं करूंगा तो मेरे को इतना पैसा कट हो जाएगा, यानी कि आप टाइम पे नहीं आओगे। एक इम्प्लॉय तो रोज शार्प 9 AM पे आ जाता है ऑफिस, और दूसरा इम्प्लॉय 9:15 पे आ रहा है। अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करोगे आप, एक की सैलरी नहीं काटोगे, हाफ सीएल नहीं लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, तो वो एम्प्लॉय में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। मींस के एम्प्लॉय जो होगा वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, वो लेस एंगेज हो जाएगा उसकी जॉब के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। पांचों पॉइंट बड़े सिंपल है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। थोड़े से इसके अंदर प्रॉक्सी वाला आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, कि यहाँ पर सबोर्डिनेट्स और उसकी मैन पावर कह सकते हो, या उसकी फैसिलिटीज को बढ़ाने को यहाँ पर प्रॉक्सी बोला गया, बाकी सारे पॉइंट सिंपल है। ठीक है, अगले हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आ चुकी है हमारी, क्या कह रहा है, डिफाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ टोटल रिवॉर्ड। टोटल रिवॉर्ड कहते हैं किसे। अब ये टोटल रिवॉर्ड क्या होता है सर, टोटल रिवॉर्ड का मतलब है जो आप पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉई को, जो आप पेमेंट कर रहे हैं, एक तो वो, और जो पेमेंट के अंदर दो तरीके के बेनिफिट है, एक तो कैश रिवॉर्ड है, एक फ्रिंग बेनिफिट है। अब ये फ्रिंग बेनिफिट क्या है, जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं वो फ्रिंग बेनिफिट है, द थिंग्स विच आर इन द कमोडिटी, जो मतलब वस्तु दे दिया, जैसे कि फोन का बिल दे दिया आपने, फोन दे दिया उसको, टैक्सी सर्विसेज दे दी, बस सर्विसेज दे दी, तो ये फ्री बस सर्विसेज हो गई, फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, ये फ्रिंग बेनिफिट की आ गई। ठीक है, इंश्योरेंस दे दिया, और कैश बेनिफिट तो आपको पता ही है। तो ये सारे के सारे टोटल रिवॉर्ड के एलिमेंट्स हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि टोटल रिवॉर्ड के एलिमेंट बताइए। टोटल रिवॉर्ड यानी टोटल कंपनसेशन होता है, सिंपल सी बात है। यानी कि अब अगर मैं रिवॉर्ड दे रहा हूं तो यहां पर उसकी बात सैलरी से है, ना कि उसकी बात केवल और केवल बेनिफिट या बोनस से। कितनी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहां पर टोटल रिवॉर्ड को बेनिफिट लिख लेते हैं। तो देखिएगा, टोटल रिवॉर्ड में फर्स्ट एलिमेंट आता है हमारा कंपनसेशन, जिसके अंदर एक फिक्स्ड पे, एक वेरिएबल पे। वेरिएबल पे मींस कि अगर आपका टारगेट इतना परसेंट अचीव हो गया, 100% से ज्यादा अचीव हो गया, तो आपको एक गुड वर्क मिलेगा, इसको ओवरटाइम बोलते हैं, बहुत सी जगह एन नंबर्स ऑफ द थिंग्स बोलते हैं, रिवॉर्ड बोल दो इसको, लेकिन ये वेरिएबल पे हो गया। फिक्स्ड अमाउंट यानी कि 7,000, 8,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप अपने गोल अचीव कर लेते हो तो और ज्यादा आपको इंसेंटिव मिल सकता है, इंसेंटिव भी बोला जाता है, गुड वर्क भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसको बोला जाता है, ओवरटाइम भी बोलते हैं, तो इसको वेरिएबल पे। ये पहला पॉइंट होता है, पहला आपको कंपनसेशन देना है। नेक्स्ट होता है बेनिफिट्स। अब बेनिफिट क्या है, अगर मैं टाटा का एम्प्लॉई हूं तो वो मेरे को फ्री ऑफ इंश्योरेंस दे, वो मेरा हेल्थ चेकअप कराए, वो मेरे को बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे, ये क्या कहलाएंगे, ये बेनिफिट कहलाएंगे। समझ में आया, बेनिफिट एक अलग चीज है, कंपनसेशन एक अलग चीज है, कंफ्यूज ना होना, टोटल रिवॉर्ड में सब आ जाता है। टोटल रिवॉर्ड यानी टोटल कंपनसेशन। बेनिफिट में मैंने लिया कि जो फैसिलिटी मुझे मिल रही है, फ्री फोन मिल गया मान लीजिए, फ्री बस कंपनी के लिए, फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल गई, हेल्थ चेकअप मिल गया, फ्री एजुकेशन फॉर किड्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ हो सकता है, फ्री टूर हो सकता है।
ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती है, बेनिफिट्स के अंदर आती है। एक तो हो गया कंपनसेशन, दूसरा हो गया बेनिफिट, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवॉर्ड में वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि आपको सोशल करना होता है, जैसे कि बहुत सी कंपनीज के अंदर 31 दिसंबर जो आने वाला है, और इसके अलावा दिवाली होली के खाना रखा जाता है, मतलब डिनर होता है या लंच होता है, बेसिकली लंच डिनर ही होता है, और कोई कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा एन नंबर्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वहां कराई जाती है, कोई कहीं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा होता है, कहीं बास्केटबॉल टूर्नामेंट स्पोर्ट्स के अंदर, कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट, कहीं पे क्लब्स एक्टिविटीज होती है। तो ये सब क्या करती है, वर्क लाइफ बैलेंस करती है। इससे क्या होता है, इंसान जो होता है वो सोशली कंपनी के साथ जुड़ जाता है, यानी कि वो भी जुड़ रहा है, उसकी पूरी फैमिली भी जुड़ रही है, उनको भी वहां का एनवायरमेंट अच्छा आ रहा है। तो ये जितने भी चीजें हैं ये वर्क लाइफ बेनिफिट के अंदर आ गई, ये भी रिवॉर्ड का ही पार्ट होता है। चौथा परफॉर्मेंस एंड सर्विस रिकॉग्निशन। अब यहां पर होता है अवार्ड देना, यानी कि अगर किसी ने बहुत अच्छी सर्विसेज करी है, बहुत अच्छा काम किया है, तो आप 15 अगस्त 26 जनवरी को उसको एक अवार्ड दें, ठीक है, वर्कर डे के दिन उसको अवार्ड दें, उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। आजकल आप किसी भी बैंक में जाना हुआ लिखा होता है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, वो क्यों लिखा होता है, जस्ट गिव द रिकॉग्निशन की इस बंदे ने यहाँ पर सबसे ज्यादा काम किया, इसने सबसे ज्यादा मेहनत की, हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये सर्विस रिवॉर्ड अवार्ड हो गया, रिटायरमेंट अवार्ड हो गया, रिटायरमेंट के टाइम दे सकते हो आप, इन सर्विस भी दे सकते हो, ठीक है। आई होप ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट है करियर डेवलपमेंट, दिस इज द मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, किसी को भी कंपनी में रिटेन करने के लिए भी करियर डेवलपमेंट, लाइक करियर डेवलपमेंट के लिए आप उनको ट्रेनिंग करा सकते हो, इंटर्नशिप करा सकते हो, कोई डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटी करा सकते हो, वर्कशॉप करा सकते हो, सेमिनार्स करा सकते हो, और एक उनको पाथ भी क्लियर कर सकते हो कि आप अगर कंपनी में 5 साल काम करोगे तो आप इस पोजिशन पर पहुंच जाओगे, 10 साल काम करोगे तो इस पोजिशन में पहुंच जाओगे, यदि आप रेगुलर टारगेट अचीव करते हुए रहे, है ना। ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, आपकी टोटल रिवॉर्ड का हिस्सा कहलाती है। तो कितनी सारी चीजें हो गई, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आगे नया टॉपिक लेता हूं। पहला है कंपनसेशन, दूसरा बेनिफिट, तीसरा वर्क लाइफ बैलेंस, चौथा परफॉर्मेंस, और पांचवा करियर डेवलपमेंट। तो अगर इसका शॉर्ट बनाती है CBWP and C, WPC CB, याद ही रहेगा, कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, सिंपल है ना। कंपनसेशन, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, अपना बेनिफिट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक दिया है इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड फिलोसॉफी। अच्छा, ये एक थ्योरी, ये क्या है, एक थ्योरी फिलोसॉफी है, यानी कि एक थ्योरी है, किसी ने दर्शन शास्त्र, किसी ने बड़े बड़े बातों में कहा कि ऐसा हमारी रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, यानी कि अब आपका रिवॉर्ड सिस्टम आपके वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, अब आपका रिवॉर्ड सिस्टम लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। किस टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। मस्ट बी स्ट्रेटेजीज इन द सेंस ऑफ एड्रेस इन लॉन्ग टर्म। देखिए पॉइंट आ गया है। अब ये जो इंटीग्रेटेड वर्ड है, यानी कि इंटीग्रेटेड, इसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत, मतलब कि अगर एम्प्लॉई लॉन्ग टर्म काम करेगा कब, जब वो लॉन्ग टर्म काम करेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म, तो उसमें आपको बोल देना है कि आप 5 साल काम करोगे तो आपको एक कार मिल सकती है, 10 साल काम करोगे तो एक SUV खरीद सकते हो आप, कंपनी के बजट से, यहां पर कंपनी के बजट से। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सी कंपनी आजकल ये ऑफर करती हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स हम आपको कार प्रोवाइड करा देंगे, हमारे सेल्फ एक्सपेंसेस से इस कार की जितनी भी किस्तें होगी कंपनी पेड करेगी, आपको एक कार मेंटेन करनी है और जब तक इसकी किस्तें चलेंगी आपको कंपनी में सर्विस देनी है। जिस दिन वो 5 साल 7 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा आपकी, और वो कार आपकी ओनरशिप आपके पास चली जाएगी, ठीक है, और 10 साल बाद SUV मिल जाएगी, ऐसे उनके रिकॉग्निशन रहते हैं। 5 साल बाद आपको मैनेजर, सीनियर मैनेजर बना दिया जाएगा। 5 साल बाद आपको एक इंक्रीमेंट और लग जाएगा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, एक इंक्रीमेंट और लग जाएगा, 2 इंक्रीमेंट और लग जाएगा। मैं बुकिश बात नहीं कर रहा यहां पे, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं कि इंटीग्रेटेड जो रिवॉर्ड सिस्टम है, जो रिवॉर्ड फिलोसॉफी है, वो ये कहती है कि किसी भी एम्प्लॉय को बांध के रखना है, एकीकृत करके रखना है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि वो कंपनी के लिए एसेट्स बन जाए,
वो कंपनी में लॉन्ग टर्म सर्व करे। तो इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड फिलोसॉफी क्या है? इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड फिलोसॉफी सिंपल फिलोसॉफी है कि कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज के साथ बंदे को जो टैलेंट है उसको लिंक कर देना फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, ताकि जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ होगी, अब इसके अंदर शेयरिंग प्रॉफिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शेयरिंग प्रॉफिट। एक एग्जाम्पल देता हूं, डब्बा वाला एसोसिएशन, वो बेस्ट एग्जांपल है इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड फिलोसॉफी का। डब्बा वाला एसोसिएशन मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सभी जने जानते हैं, मतलब कि अगर आप नहीं जानते हो तो अभी गूगल करो, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, डब्बे वाला चलाते हैं उनको, और वहां एक बहुत अच्छा सिस्टम है। क्या सिस्टम है? अगर आप वहां पे एम्प्लॉई है तो वहां आपका प्रॉफिट में कुछ हिस्सा है। किसमें हिस्सा है? एक तो फिक्स्ड पे और वेरिएबल पे के अंदर प्रॉफिट में कुछ हिस्सा है। तो आदमी क्या करता है, और ज्यादा जोर से काम करता है और जान लगा के काम करता है, ताकि उसका खुद को, उसको ये नहीं लगता कि वो एम्प्लॉई है, उसको लगता है वो मालिक है। तो क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट में हिस्सा होता है। यही इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड फिलोसॉफी है, यानी कि आप उसको कहीं ना कहीं कंपनी से लिंकअप कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर लिंकअप करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। यानी कि आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड उनको आप शेयरिंग प्रॉफिट का हिस्सा बनाएं, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आप कहें कि 10 साल बाद आपको इतने परसेंट शेयर्स भी मिलेंगे, हम आपको इक्विटी शेयर्स ऑफर करेंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड फिलोसॉफी। आई होप क्लियर हो गया होगा। बुक के अंदर देखने जाओगे तो बहुत भर भर के लिखा है, मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि ये चीज होती है और इसको अपन को जॉट डाउन करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सस्टेनेबल टैलेंट मैनेजमेंट। सबसे आज की मैं कहता हूं कि आज के टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर, सस्टेनेबल टैलेंट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल टैलेंट मैनेजमेंट मतलब कि आज भी मेरे पास 20 स्किल्ड लेबर हो, ठीक है, और आज से 5 साल बाद भी 2027 में भी मैं जाऊं तो मेरे पास 20 स्किल्ड लेबर तो रहे ही रहे, ठीक है, या मेरे जितनी रिक्वायरमेंट हो, मेरी उस समय जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, मान लेते हैं 40 स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो 40 स्किल लेबर उस समय मेरे पास अवेलेबल रहे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मींस के वो डेवलपमेंट जो हमेशा बना रहता है, ऐसा नहीं कभी फॉल हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब ही यह है कि हम उस टैलेंट को लॉन्ग टर्म तक यूटिलाइज कर सके, लॉन्ग टर्म तक। मैंने बहुत सी कंपनीज में ऐसा देखा है, मैं रिलायंस की बात करता हूं, इसके अंदर मैं टाटा की बात करता हूं, मैं अपोलो टायर्स की बात करता हूं, मैं MRF की बात करता हूं, मैं BKT बालकृष्ण टायर्स की बात करता हूं, ये सारी कंपनीज अधिकतर, जितने भी मैंने आपको कंपनीज का नाम लिया, यहां पर सस्टेनेबल टैलेंट रखते हैं। आपको क्या चाहिए? बॉस अच्छा चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए और रिकॉग्निशन चाहिए। ये तीनों चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली दे रहे हैं, और बदले में चाहते हैं कि आप अपने गोल अचीव करें तभी, और आपको भी डेवलप करते हुए चलते हैं, आपका भी करियर प्लान बनाते चलते हैं, जूनियर मैनेजर से मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर हेड, फिर हेड के बाद वाइस प्रेसिडेंट तक ये बना देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजी में बढ़ते बढ़ते। प्रेसिडेंट भी मैंने बहुत से जनों को बढ़ते हुए देखा है, मतलब प्रेसिडेंट तो सब नहीं बन पाते, लेकिन एक दो जने उन्हीं में से निकल के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। तो यही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि वो कंपनी से जुड़ रहा है, कंपनी के साथ ग्रोथ कर रहा है, और यही सस्टेनेबल टैलेंट मैनेजमेंट है। और कल उठ के अगर वो 20 जने चले गए जो मेरे पास कंपनी में थे, ये छोड़ के भी चले जाएं, तो भी मेरे पास कुछ 20 जने एक्स्ट्रा ऐसे रहें जो इनको रिप्लेस कर सके, 20 एक्स्ट्रा ऐसे हो कि हमको रिप्लेस कर सके। आज इंडियन क्रिकेट फॉल क्यों हुआ? क्योंकि MS धोनी के बाद हमारे पास ऐसा कोई विकेट कीपर नहीं आ रहा जिसके पास आफ्टर, मतलब स्टंप के पीछे भी इतनी अच्छी काबिलियत है, उनको पास नॉलेज भी इतना अच्छा था, क्रिकेटिंग सेंस जिसको कहते हैं काफी अच्छा था, एक तगड़ा बैट्समैन हुआ करते हैं, फिनिशर्स हुआ करते हैं, और काफी ब्रेव डिसीजंस लेने के लिए जाने जाते हैं। तो हमारे पास जब बैकअप नहीं था तो इंडियन क्रिकेट टीम का आज जो हसले, ठीक है, बांग्लादेश से भी हम हार गए तो, और वर्ल्ड कप तो हम हार ही गए, अब भले कितने रन बना लो, अब कोई मतलब की बात नहीं है, हम दोष दे देते हैं IPL पे, बल्कि वो गलत है। IPL की जगह है, इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल की जगह है, वहां पर उन्होंने नहीं करा तो IPL का दोष नहीं है, ये वहां पर खेलते हैं ना खेले अलग बात है। लेकिन क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कि हमने बैक बेंच तो बहुत बना लिया IPL के कारण, आज हमारे पास 10 फास्ट बॉलर की जगह 20 फास्ट बॉलर हैं, 5 स्पिनर की जगह 10 स्पिनर हैं, 10 गेंद बल्लेबाज की जगह 20 बैट्समैन है, लेकिन क्या वो रिप्लेस कर पा रहे हैं? क्या कोई MS धोनी को रिप्लेस कर पा रहा है? क्या क्या कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा है तो हमने डेवलपमेंट तो करा पर सस्टेनेबल नहीं करा, मींस कि उसका रिप्लेस हुआ लेकिन वो सस्टेनेबल। ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे बहुत अच्छा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करती थी,
हैं, स्टीव वो मार्क को छोड़ के गए तो उनको रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क खेलने के लिए आए, तो आप सोचो कितना अच्छा रिप्लेसमेंट था उनके पास। तो ये डेवलप किया गया था ऑस्ट्रेलिया के थ्रू, ठीक है। तो यही जब तक अगर कंपनी के अंदर होता है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहेगा, तो कंपनी ग्रोथ करती रहेगी। जिस दिन यहाँ पे लूप होल आता है, कंपनी की ग्रोथ होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि एचआर है ह्यूमन एज ए रिसोर्स नाउ, ठीक है। और उसका एक बहुत ही इंपैक्ट आता है कंपनी की ग्रोथ में। इसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि सबसे पहला अगर मेरे को सस्टेनेबल ग्रोथ करवानी है, मैनेजमेंट करना है, तो इसके लिए क्या करना है, एस्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट वैल्यू प्रपोजिशन, यानी कि ईवीपी लॉन्च करना है, यानी कि एक एम्प्लॉयमेंट वैल्यू प्रपोजिशन की भाई यहां पर एक पर्टिकुलर जॉब है, एक मान लेते हैं अकाउंटेंट की जॉब है, इसकी मेरे नजर में वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं वो 20,000 रुपए पर मंथ में उसको दे रहा हूं, लेकिन मेरे नजर में उसकी वैल्यू हो सकता है 100 out of 70 हो, क्योंकि टीडीएस जॉब है, सैलरी अगर गलत हो गई तो बहुत सी चीजें गलत हो जाएगी, ग्रेवियंस गलत हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से कोई मान लेते हैं किसी मैनेजर की जॉब है प्रोडक्शन रिलेटेड, उसकी सैलरी हो 25,000 फॉर एन एग्जाम्पल, लेकिन उसकी हो सकता है मेरी नजर में जो वेटेज आए वो 60 का ही आए, ठीक है। तो यहां पर आपको एक पूल डेवलप करना होता है जिसमें आप हर एक कंपनी के एम्प्लॉई का, एम्प्लॉय जॉब का एक वेटेज डिसाइड करते हो कि इसकी ज्यादा वेटेज, यानी ये मुझे अर्जेंट चाहिए, इसका रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, समझ में आया। तो ये दैट इज द एस्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट वैल्यू प्रपोजिशन, क्लियर है ना। पहला पॉइंट कि मैं एक जॉब के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिसाइड कर रहा हूं। सेकेंड है डेवलप अ टोटल रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी बियॉन्ड कॉम्पनसेशन, कंपनसेशन यानी कि टोटल रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी बनानी है। मतलब आप उसको केवल यही मत बताओ कि हम उसको 20,000 रुपए दे रहे हैं, आप ये बताओ कि हम आपको बस फैसिलिटी भी दे रहे हैं, आप जितनी भी फैसिलिटी है वो सब दे रहे हैं, और अगर आप 10 साल हमारी कंपनी में काम करोगे तो आपके करियर ग्रोथ में 3x होने की संभावना है, यानी जो सैलरी अभी आपकी है वो 3 गुना बढ़ सकती है। बिलीव मी दिट इज द नाउ एरा कि कंपनी के एचआर इस तरीके से फोकस करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं एचआर का जॉब केवल 20,000 रुपए की सैलरी ऑफर करना नहीं है, एचआर का जॉब है कि सैलरी कम करना और उसको बड़ा परसेप्शन बताना कि अगर आप 3 साल काम करोगे, 10 साल काम करोगे तो आप ग्रोथ यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये होता है टोटल रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी, मतलब कि सब कुछ। अभी अपन ने टोटल रिवॉर्ड में देखा था ना, कंपनसेशन तो इसका एक पार्ट था, उसके अलावा भी अपन ने अदर एलिमेंट देखे थे। मेक टैलेंट मैनेजमेंट यूनिक एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यानी कि क्या करना है, टैलेंट मैनेजमेंट को एक अलग सा कल्चर डेवलप करना है। मींस के हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मींस के कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो ब्रॉडर में टेक्निकल होता है और एक नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है। वैसे तो प्रोडक्शन, स्टॉक, मार्केटिंग एंड नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन में 10 तरीके की वैरायटी है, ठीक है। जैसी कंपनी होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी तो उसके डिपार्टमेंट होंगे, वरना दूसरी कंपनी होगी तो उसके डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन जहां पर हम बड़ी प्रोसेप्शन पे बात करते हैं तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यहां पर बात होती है। जब मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो वो चीजें जिनके लिए स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड होती है, स्पेशल स्किल, स्पेशल टैलेंट रिक्वायर्ड होता है। मींस कि कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन, कोई बीटेक किया हुआ, बीसीए किया हुआ, एमबीए किया हुआ बंदा ही लग सकता है। नॉन टेक्निकल के अंदर मान लीजिए लेबर की है, अब लेबर हर डिपार्टमेंट में लगती है, ठीक है। लेबर हो गया आपका, फॉरमैन हो गया, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आएगा तो भी हम उससे वर्क कर सकते हैं, लेकिन लेबर भी बहुत सी अनस्किल्ड स्किल्ड करके टेक्निकल होती है। तो इसके अंदर कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूनिक वे से आपको कैटेगराइज करना है। मींस कि आपने, आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको टेक्निकल नॉन टेक्निकल में शिफ्ट करिए, उसके बाद उनमें ही सब्स्टिट्यूट तलाशने शुरू करिए। जो नॉन टेक्निकल वर्कर है उनको टेक्निकल वर्कर बनाइए, जो टेक्निकल वर्कर है उनको नॉन टेक्निकल वर्कर बनाइए। मींस के एक पर्सन को मल्टीपल जॉब असाइन करें, कौन सी जॉब, मल्टीपल जॉब असाइन करें, तो इससे क्या होगा, वो बंदा मोर कॉम्पिटेंस होगा, उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी होगी और उसका खुद का डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्टाफ स्ट्रेटजीज, मैनेजमेंट अप्रोच, ये सारी की सारी चीजें हमको बार बार डिजाइन करनी होती है। और रीथिंक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब कि हमको जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो आप सबको पता है टॉप, मिडिल और लोअर, ठीक है,
इसमें कितने पार्टीज में कितने रहे? टॉप मैनेजमेंट में 5 बंदे हैं, मिडिल में 15 हैं और लोअर में 25 हैं। तो इसको बार बार रीडिजाइन करना है और रीथिंक करना है, कहां पे मैं बढ़ा सकता हूं, कहां पे मैं कम कर सकता हूं। दैट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। हमारा जब तक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा, अपडेशन होगा, मार्केट में बने रहोगे, सस्टेन रहोगे। बीएसएनएल के फॉल डाउन होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं रखा, ठीक है। वो 4G के ऊपर गए नहीं, वो 3G पकड़ के बैठे रहे। तो 4G आया तो बीएसएनएल शट डाउन होने के कगार पर आ गया था, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी है तो चलना फिक्स है। तो यही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आपको रीथिंक करना आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना सर समझ में आ रहा है। पूरी मेहनत से आपको समझाने की कोशिश चल रही, फिर भी ना आए तो कमेंट करके बताएं कि सर नहीं आया तो मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन समझ में आए तो ये भी बता दे कि सर समझ में आया, ठीक है। डिफाइन योर टारगेट टैलेंट सेगमेंट, यानी कि आपको एक पहले सेगमेंट भी आपको डिफाइन कर देना। अभी जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, इन सब बड़ी कंपनियों ने एम्प्लॉय की छटनी करी, जाओ जाओ हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एलन मस्क ने कहा अब हमको नहीं चाहिए, हमको बहुत घाटा हो रहा है। टाटा ने तुरंत इन एम्प्लॉय को रख लिया। अब टाटा कोई कोई ऐसे दयानुभाव रख के इन बंदों को नहीं रखा, उसने क्या कहा कि उनको एक ऑटोमेशन पे कार बनानी है, यानी कि वो ऑटो पायलट पे कार होनी चाहिए। उसके लिए उनको ऐसे जो कोडिंग का ज्ञान जानते हो, जो इन वेलवर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करे हुए हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के साथ काम करे हुए, वो बंदे उनको चाहिए थे। तो आपको आज के 3 साल बाद या फ्यूचर के लिए कौन से टैलेंटेड बंदों की जरूरत है, कौन से सेगमेंट की जरूरत है, इसके ऊपर आज से ही वर्क करना है, इसके ऊपर आज से ही बात करनी है। यानी आपको टारगेट रखना है कि मैं इन एम्प्लॉय को कभी भी हायर कर सकता हूं हायर पैकेज देकर। डिफरेंशिएट परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सस्टेनेबल टैलेंट मैनेजमेंट चाहिए, तो आपको वर्क के अकॉर्डिंग ही रिवॉर्ड सिस्टम रखना होगा। जिसका जैसा काम उसका वैसा पेमेंट, आपका वर्क के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। आप हाई वर्क करेंगे, हाई वर्क का मतलब हाई प्रोडक्टिविटी से है, दिन भर काम करने से नहीं है, हाई प्रोडक्टिविटी से है, प्रोडक्टिविटी से है। अब काम देखो, मैनेजमेंट भी कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट भी कर रहा है और लोअर मैनेजमेंट भी कर रहा है। लोअर में कह रहा हूं ज्यादा कर रहा है, हार्ड वर्क जो है वो लोअर मैनेजमेंट ज्यादा कर रहा है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट भी कर रहा है। लेकिन वहां पर नॉलेज है, यहां पर क्या है, नॉलेज है। यहां पर नॉलेज है नहीं, है तो कम है। जब लोअर मैनेजमेंट है, भैया आया, मजदूर आया, उसको बोला मिट्टी इठा के इधर से इधर डाल दो, उसने डाल दी। फिर बोला इधर से इधर डाल दो, उसने डाल दी। पूरा दिन हुआ वो वेजेस लेके चला गया, नॉलेज की कमी। क्यों करवाया ये काम? क्वेश्चन जब तक दिमाग में नहीं आया तब तक बात कंप्लीट नहीं हुई। तो जबकि जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी दिन भर बैठा है, वो भी 12 घंटे काम कर रहा है, वो भी 16 घंटे काम कर रहा है, वो भी हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन दे एक्सरसाइज विद व्हाई। ये काम करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है, और इसका फास्टेस्ट मेथड कौन सा है, और उसका चीपेस्ट मेथड कौन सा है, इसके ऊपर फाउंड आउट पे जोर कर रहा है और ये उसको प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहा है। देखिएगा, हार्ड वर्क दोनों कर रहे हैं लेकिन सक्सेस दोनों को मिल रही, लेकिन ज्यादा रिवॉर्ड किसको मिल रहा है, जिसके पास नॉलेज है। तो इसीलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है कि जिसके पास नॉलेज ज्यादा होता है उसके सक्सेस का रेशो भी बढ़ता है। हार्डवर्क तो सेम कर रहे, यदि लाइफ में सक्सेसफुल होना है दोस्तों तो हार्डवर्क तो सेम करना है, लेकिन जिसके पास नॉलेज ज्यादा होगा ना वो टॉप मैनेजमेंट बन जाएगा, और जिसके पास नॉलेज कम होगा वो लोअर मैनेजमेंट और मिनरल में घूमता फिरेगा, ठीक है। उनकी थिंकिंग फिलोसॉफी अलग हो जाती है। जब टॉप मैनेजमेंट पे आप बैठोगे लोगों के साथ, तो उनकी फिलोसॉफी अलग हो जाती है। वो बोलते नहीं है कि, वो बोलते हैं यार मेरे दो बच्चे को यार स्विमिंग सिखानी है। एक जना बोल रहा है स्विमिंग सिखानी है, मिडिल में बात कर रहे हैं, लोअर में बात कर रहे हैं, तो बोले अच्छा नदी में बाल देते हैं। टॉप मैनेजमेंट कर रहा है अरे स्विमिंग पूल खरीद लेते हैं यार, खुद का एक होगा घर पे, अपन भी करेंगे, स्विमिंग सीखेंगे, खुद का एक स्विमिंग पूल ले लेते हैं। वो बात कर रहा है कि वहां कोचिंग क्लासेस कहाँ करनी है, और इन्होंने सॉल्यूशन वहां दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास मनी डिफरेंस क्रिएट हो गया और इनको फिलोसॉफिकल डिफरेंस हो गया। वो अब अटेम्प्ट करेगा कि मैं स्विमिंग पूल कैसे खरीदूं, और ये अटेम्प्ट करेगा कि मैं इसकी फीस कैसे कैलकुलेट करूं, ठीक है। दोनों की अप्रोचेस में कितना डिफरेंस हो गया, केवल माइंडसेट और नॉलेज के कारण। तो यहां पर आपको यही देखना है कि अगर आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपका गेन बढ़ेगा, ठीक है। एंगेज हायर परफॉर्मेंस, ट्रांसफॉर्म अवर टू नेक्स्ट जनरेशन लीडर कैंडिडेट। जिनका हाई परफॉर्मेंस होगा उन्हीं को लीडर बनाया जाए। आप लोअर मैनेजमेंट करके भी उनको लीडर बनाया जरूरी नहीं है। सचिन तेंदुलकर की परफॉर्मेंस खराब हो रही थी, कैप्टनशिप से रिजाइन करवा दिया, बोले ना चाल पे। क्यों?
क्योंकि भैया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छे महानतम क्रिकेटर रहे, लेकिन कैप्टनशिप में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही थी। तो लोअर परफॉर्मेंस कभी भी लीडर नहीं होगा, हमेशा हायर परफॉर्मेंस को लीडर बनाया जाए, जिससे क्या हो, लोग उनको आइडियल मान के उनके फॉलो कर सके। कम से कम फॉलो ही करेंगे तो हमको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये होता है सस्टेनेबल टैलेंट मैनेजमेंट करना, यानी कि इतनी सारी एक्टिविटी होगी तब हमारा जो टैलेंट है वो सस्टेन करके रहेगा, वो लॉन्गर पीरियड तक रहेगा, हमारे लिए भी ग्रोथ होगी और उसकी भी ग्रोथ होगी, दोनों ही परसेप्शन पे ग्रोथ होगी। और जब दोनों की ग्रोथ होगी तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में होगा। सिंपल सा, सबसे बड़ा मेन ये कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट विद मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर। और ये तभी हो सकता है जब टैलेंट मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए। आई होप क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, उससे पहले अब ब्रेक ले लेते हैं। मेरे को लगता है थर्ड पार्ट के अंदर ही अपना ये वीडियो कंप्लीट हो पाएगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, इसी के साथ एंजॉय करिए और मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो समझ में आया या नहीं आया। जय हिंद, जय हिंद।